गाइस देखो वो कंटेनर दिख रहा है, वहाँ जाना है। और आ कहाँ से रहे हैं वो, आपको सीमेंट वाला दिख रहा है वो टावर आवर जैसा दिख रहा होगा आपको, वहाँ से आ रहे हैं पैदल और पैदल वहाँ जाना है। तो ये ख़ास बात है सिर्फ़ और सिर्फ सोलर पावर प्लांट का, ठीक है ना। और इसी तरीके से काम होता है यहाँ पे। अब बारिश इतनी हो जाती है यहाँ पे, हर 2 घंटे में बारिश लगभग होती रहती है यहाँ पे। जब से मैं आया हूँ यहाँ पे इस एरिया में, तब से यहाँ देखो गीला गीला, और जूते देख सकते हो भाई कितना भारी हो गया, मतलब क्या बुरा हाल हो गया देखो। मतलब जूते का वजन वज़न जो है ना वो अपने से 1.5 किलो ज़्यादा वज़न इसका ज़्यादा हो गया एक पैर का। तो इसको ये बोझ को लेके साथ साथ घूमो और काम करो, ठीक है। काम देख रहे हो, काम यही होता है सोलर पावर प्लांट का, जो है आपको करना पड़ेगा। और लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस, थोड़ा सा यहाँ पर आपको पानी पीने के लिए भी ना, मतलब पानी बाहर से लोग लाते हैं 8-10 किलोमीटर दूर से गाड़ी पे, उसके बाद आपको पानी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और मार्केट तो आप लगा लो कि 200 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ये कुछ आपको मिलेगा। कच्छ के बारे में आप लोग जानते हो, ठीक है ना, कच्छ के बारे में आप लोग जानते हो, गुजरात का मतलब इंडिया का लाश हो जाता है, इधर पाकिस्तान आसपास में ही पड़ता है। और तो इसी तरीके से लोग काम करते हैं भाई, इसी तरीके से सर्वाइव करते हैं जो। और ये देखो ये जो लगे हुए हैं सोलर के साथ, ये जो देख रहे हैं आप इस बॉक्स में टंगे हुए, ये सब इन्वर्टर है। एक प्लांट में, एक ब्लॉक में लगभग 55 के बीच अराउंड रहता है इन्वर्टर, और वो सब के सब मतलब HTP में जाता है, मतलब हाई टेम्परेचर पैनल में जाता है ट्रांसफार्मर से सप्लाई होकर। तो इस तरीके से करंट आप लोगों को मिलने वाला है आने वाले टाइम में, मतलब आप इसे कह सकते हो कि वर्ल्ड का नहीं, एशिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है इंडिया का, ठीक है, मतलब एशिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है। और अब आसपास नज़र उठा के देख लो, मैं जो भी वीडियो अभी रिकॉर्डिंग करता हूँ, कुछ कुछ छोटे शॉर्ट वगैरह डालता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो, आपको पेड़ पौधे ना, पौधे तो नज़र आएंगे जो हमारे किसी यूज़ का नहीं है अभी, बट लेकिन आपको यहाँ पर कोई बड़े ट्री नज़र नहीं आने वाले। यहाँ पर कोई पक्षी भी, बर्ड्स वगैरह भी नहीं होते, क्योंकि बर्ड्स वहीं पर रहते हैं जहाँ पर उनको खाने के लिए, उनके खाने के लिए दाने होते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, सारी चीज़ें बाहर से आती है, हरी सब्जियाँ फल वगैरह तो देखने को तरस रहे हैं यहाँ पे। पर ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है दोस्त, और एक दूसरे को देखकर हम लोग जी रहे हैं। अब यहाँ पर गाड़ी हमारे एक के लिए तो आ नहीं सकती है भाई, ये वहाँ से मतलब लगभग जो 1.5 किलोमीटर दूर अगर कुछ सामान ख़त्म हो जाता है तो स्टोर पे 1.5 किलोमीटर दूर पैदल सफ़र करके लाना पड़ता है, क्योंकि ब्लॉक काफ़ी बड़ा बड़ा ब्लॉक है यहाँ पर, समझ सकते हो। देख लो ये वहाँ से वहाँ तक जो दिख रहा है आपको, वो घर जैसा बना हुआ दिख रहा है वहाँ से, और ये पूरा रोड, ये जो दिख रहा है आपको इस तरह से, ये एक ब्लॉक है, ठीक है। तो यही है भाई सोलर पावर प्लांट की खासियत। तो आप भी आए, इंजॉय करें हमारे साथ, वर्क इंजॉय, जॉब इंजॉय सोलर पावर प्लांट में, और मस्ती में काम होता है, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा बहुत तो यार कष करना पड़ता है घर से बाहर, घर में रहोगे तो भाई खाना है, सोना है, हगना है, हाँ सॉरी मतलब 2-3 ही काम होते हैं, है ना। कमाने की जगह पे हमेशा कष्ट होती है दोस्त, तो वही बात है ना। हम भी थोड़े से सोचे कि कंफर्ट जोन में बहुत लाइफ गुजार ली, थोड़ा सा कष्ट कर लेते, तो आ गए थोड़ा सा लग्जरी छोड़ के, थोड़ा सा हार्ड वर्क करने के लिए। तो जा सकते हैं दोस्त, देखो दुनिया का कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सब मिलको मतलब सब मिलकर अपने फैमिली को सपोर्ट करनी चाहिए, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। जो जितना जल्दी जिम्मेदार बनता है वो उतना जल्दी सक्सेस होता है इंसान।
और ये देखो क्या हाल हुआ, बड़ा कीचड़ है भाई। और इस कीचड़ में ही हम लोग अभी उधर जाएंगे स्टोर पे, पता नहीं कोई होगा नहीं होगा। तो भाई ये बरसात का मौसम कुछ ज़्यादा ही, देखो कितना ख़राब रास्ता। तो हम पहुँच चुके हैं स्टोर पे अपने, अब यहाँ से कुछ सामान लेंगे और जाएंगे फिर वापस